उत्तर प्रदेश में पारसियों की संख्या देश में सबसे ज्यादा है। नेपाल, असम, बंगाल तथा बिहार में भी करोड़ों की संख्या में पारसी हैं, मगर फिर भी हम बिखरे हुए हैं, संगठित नहीं हैं। सवाल उठता है, क्यों? आखिर क्यों? इसकी मूल वजह क्या है? साथियों, आज हम चर्चा करेंगे इसी समस्या पर। साथियों, हमारी भारतीय समाज व्यवस्था के अनुसार हर जाति में उपजातियां होती हैं। आज हम पारसी जाति की उपजातियों के बारे में चर्चा करेंगे और ये उपजातियां अपने आप में क्या महत्व रखती हैं, इस पर भी विचार करेंगे। और हम अपनी उपजाति को मुद्दा क्यों बनाते हैं कभी कभी, इस पर भी चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। और जो मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, प्लीज वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं आपसे जुड़ा रहूं और आप मुझसे जुड़े रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये महत्वपूर्ण वीडियो। कैथवास। साथियों, पारसी जाति की एक उपजाति है कैथवास। तो ये कैथवास आखिर नाम क्यों पड़ा? दरअसल काशी प्रांत में रहने वाले पारसियों को कैथवास कहा जाता है। गुर्जर। गुर्जर का मतलब गदा होता है। जो लोग युद्ध में गदा का प्रयोग किया करते थे उन्हें गुर्जर या गुजर कहा जाता है। कमानिया। ये वो लोग हैं जो कमान यानी धनुष बाण धारण करते थे और उसका युद्ध में प्रयोग करते थे, इन्हें कमानिया कहा जाता था। त्रिशूलिया। जो पासी त्रिशूल शस्त्र के रूप में प्रयोग करते थे, वैसे भी हमारा समाज भारतीय पासी है, उन्हें त्रिशूलिया कहा जाता है। तरमाली। यह वह जाति है यानी वह उपजाति पासी जाति की जो ताड़ यानी खजूर से ताड़ी निकालते थे और यह उनका व्यवसाय भी था, पारिवारिक, अपना परिवार वे इसी काम को करके चलाया करते थे। राजपासी या राजवंशी। यह अधिकांश राज्यों के राजा हुआ करते थे, इसलिए इन्हें राजपासी उपजाति से संबोधित किया जाता है। बोरिया, बावरिया या बौरासी। जो युद्धों में तलवार चलाते चलाते उन्मत्त हो जाया करते थे यानी मदमस्त हो जाते थे, उन्हें बावरिया, बौरासी या बौरिया उपजाति के नाम से जाना जाता है। खटीक। पासी समाज के ही अंग हैं जो खड़क तलवार चलाया करते थे, उन्हें खटीक के नाम से जाना जाता है। भुर्जा। यह भर पासी थे, मगर ये उड़ीसा में जाने के बाद भुर्जा कहलाने लगे। और भर पासी। भाला धारण करने वाले, भल या भर यानी भाला, इसको धारण करने वाले भर पासी कहलाते हैं। और 1900 के पूर्व भर लोग पिछड़े वर्ग में शामिल कर दिए गए। दोस्तों, देखने वाली बात, यहां समझने वाली बात यह है कि हमारी पासी जाति को जो समाज व्यवस्था है उसने या तो SC या OBC में रखा है, यानी एक रिजर्वेशन कोटे पर रखा गया है। तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारी जाति के अस्तित्व पर कोई इसका फर्क पड़े। हमारा पासी जाति राजसी और बहादुर जाति समूह था और है और हमेशा रहेगा, इसलिए हमें इस बात पर नहीं जाना है कि इसे किस कैटेगरी में रखा गया है। बहरहाल, हम बात कर रहे हैं पासी के उपजातियों की। तो दोस्तों, पासी की उपजातियां कुछ भी हों, किसी भी नाम से भी जाने जाए, मगर दरअसल वे पासी जाति के हैं, पासी समाज के हैं, ये याद रखने वाली बात है। इसमें एक और उपजाति है अहेरिया। कुछ हो सकता है मुझसे छूट जाए। अहेरिया ये जंगलों में अहेरिया ने आखेट जो शिकार किया करते थे, उनकी उपजाति अहेरिया के नाम से जानी जाती है। पासवान। ये सभी पासी जाति में आते हैं। इनकी जनसंख्या आजमगढ़ जिले में अधिक है, बौरिया, रायबरेली और नाव जिले में भी अधिक है। नेपाल, असम, बंगाल, बिहार में करोड़ों की संख्या में पासी हैं। असम का पासी घाट बहुत ही पवित्र स्थान है। अरुणाचल में भी पासी धनाढ्य हैं, वहां के पासी आर्थिक रूप से काफी संपन्न हैं। आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक के पासी अपने को किंग पासी कहते हैं। यहां पर मैं इस बात पर आपका ध्यान इंगित करना चाहता हूं कि जो दक्षिण है, भारत का जो दक्षिण जो दिशा है, यानी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक वगैरह, यहां पर के जो पासी हैं वो धनाढ्य क्यों हैं? साथियों, यहां पर गौर कीजिए कि वे शिक्षित हैं, यानी शिक्षा जो है हमारे पासी समाज के लिए नितांत आवश्यक है, जिससे कि हमारा पासी समाज एक अरसे के बाद, यानी राजसी समाज हमारा पासी जाति का समाप्त होने के बाद, शिक्षा से हम काफी दूर हट गए, पिछड़ गए। 800 वर्ष पहले भारतवर्ष में कई प्रदेशों में पासी राजाओं का शासन था। उत्तर प्रदेश में तो सैकड़ों की संख्या में छोटे बड़े राजा महाराजाओं ने 12वीं शताब्दी तक राज किया। बहराइच के राजा त्रिलोकचंद ने
दिल्ली के राजा विक्रमपाल को हराकर सारे अवध पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था। साथियों, पासी समाज के लिए कितने गौरव की बात है कि अवध प्रांत में पहली शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक इतने वर्षों तक पासियों का एक छत्र राज्य रहा है। ये जो पासी समाज के अंतिम शासक गंगा बक्स रावत के बाद का जो कालकंठ था ना, मतलब गंगा बक्स रावत के राज के समाप्त होने के बाद से लेकर के अब तक का जो कालखंड था, यहीं से हमारे पासी समाज का अवमूल्यन और पतन प्रारंभ हो चुका था, यानी उनके राज के बाद, उनके राज की समाप्ति के बाद से ही। निरक्षरता और नशे ने हमारे समाज के राजसी अस्तित्व को धीरे धीरे खोखला कर दिया। वीर पासी समाज से द्वेष रखने वाले हमारे ही देश के कुछ कथित समाजों ने आस्तीन का सांप बनकर पासी समाज को डस लिया, क्योंकि वे भूखे भेड़ियों की तरह घात लगाए बैठे ही थे कि उन्हें मौका मिल जाए। बस फिर क्या था, मिल गया उन्हें मौका, और उन्होंने अंग्रेजों के दिए मंत्र डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो राज करो की नीति को अपनाकर सारे पासी समाज को तितर बितर कर दिया, यानी बिखरा दिया, उनमें अलगाव ला दिया। और अलगाव सबसे बड़ी कमजोरी होती है किसी भी समाज के बर्बाद होने के लिए, उसका उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। तब से लेकर आज तक के अंतराल में पासी समाज के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक हालात काफी हद तक खराब हो गए। समाज में शिक्षा और जागरूकता की कमी आ गई और उस पर नशे की लत ने आग में घी का काम कर दिया, जिसका फायदा उठाकर अन्य संभ्रांत समाज ने पासी समाज का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक दमन और शोषण करना प्रारंभ कर दिया। परंतु इसी बीच अचानक एक क्रांतिकारी बदलाव हुआ, जिसने हमारे दुश्मनों के हौसले पस्त कर दिए, उन्हें निढाल कर दिया। जानते हैं क्या, मैं बताता हूं। वो बदलाव है आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसी तकनीक जो हमारे लिए एक अद्भुत ब्रह्मास्त्र है साथियों, यदि आप इसे समझ सकें, जिसके सहारे हम अपने बिखरे हुए पासी समाज को आपस में पुनः जोड़ सकते हैं और उससे जुड़ सकते हैं, अपने संवादों और विचारों का आपस में आदान प्रदान कर सकते हैं, घर बैठे अपने समाज से जुड़कर योजनाएं बना सकते हैं और उसे कार्य रूप दे सकते हैं। इससे हम क्या नहीं कर सकते और हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जरूरत है इस पर पूर्ण महारत हासिल करने की और इसका भरपूर फायदा उठाने की। साथियों, आज का मूल मंत्र है एकता, यानी हमारा सारा पासी समाज को एक होने की बहुत बहुत जरूरत है, क्योंकि पासी समाज की प्रगति पासी समाज की एकता के बिना असंभव है, ये आप अच्छे से जानते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय पासी समाज।